ऑफ सर्जरी का मतलब है विक्ट्री ऑफ सर्जरी, तो बेसिकली ये सर्जरी होती भी है कि नहीं आपको पता होना चाहिए, और क्यों डॉक्टर एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि वो कॉल आएगा उसको जब वो स्ट्रीट में देखता है ट्रिकी को, और क्यों ऐसा मन में आता है डॉक्टर के एक बार कि एक काम करता हूँ मैं ट्रिकी को जाने ही नहीं देता हूँ, ठीक है, उसके मन में ये भी आ जाता है एक टाइम पर, और वो क्यों आता है क्योंकि वो जो एक्स्ट्रा एग है ना मॉर्निंग में मिल रहे होते हैं उसको, वाइन मिल रही होती है, वो सारी चीज़ों की वजह से ऐसा सोचता है। तो ये अच्छे से याद कर लीजिए, एक्चुअली इस लेडी ने अपने प्यार के चक्कर में, पैम्पर करने के चक्कर में उस डॉग का ज़्यादा हार्म ही किया था। स्टोरी में हमारे पास अनिल है, और कैसे अनिल एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझता है और चोरी करने के बाद भी वापस क्यों आ जाता है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, और वो कैसे चूज करता है अपना कि मैं किसको ट्रैप करूँगा, है ना। नेक्स्ट था हमारा मिडनाइट विजिटर। मिडनाइट विजिटर चैप्टर 3 में आपको ऑजिबल का इंटेलिजेंस बताना है कि कैसे उसने उसको बुद्धू बनाया और बोला कि बालकनी है, और वो जो दूसरा होता है एजेंट उसको जंप करवा देता है ना, जबकि आया कौन होता है, वेटर आया होता है, उन्होंने जो ड्रिंक्स ऑर्डर की थी। तो बस ये दो क्वेश्चंस अच्छे से कर लीजिए। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये चोर बनता क्यों है, ये चोरी कर क्यों रहा होता है, क्योंकि इसको चाहिए होती है फर्स्ट एडिशन बुक्स। फर्स्ट एडिशन बुक्स जो होती है ना बेटा, वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, और फिर ऑब्वियसली ये जो लेडी इन रेड ड्रेस है, कैसे ये इसको कौन करती है या बेवकूफ़ बनाती है, इसको बिल्कुल प्रॉपर याद कर लीजिए, है ना, और वो पूरा टाइम यही सोचता रहता है। इसमें जो हमारा इनविजिबल मैन होता है, जब वो भाग के आता है तो वो लंदन पहुंचता है, और लंदन में ऑब्वियसली वो इनविजिबल इसलिए क्योंकि उसने सारे कपड़े उतार दिए हैं, है ना, तो वो बहुत ही गलत वेदर में पहुंचता है क्योंकि ठंड होती है वहां पर। तो उसके बाद आपको मालूम है कि वो एक सुपरमार्केट में पहुंच जाता है और वहां कपड़े पहन के बैठ जाता है। मिसेज हॉल के साथ एक्सपीरियंस लिखिए। पहले तो वो उसको इतना अजीब दिखता है, फिर भी मिसेज हॉल उसको क्यों रहने देती है, और फिर कैसे उनको लगता है कि यही आदमी है जो चोरी कर रहा है, इसको प्लीज ढूंढ के करिए। ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन, है ना। ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट कैसा था बेटा, बिल्कुल उसने ही वॉज अ जीनियस, उसने इतनी बड़ी खोज की थी, मगर उसने उसका गलत फायदा उठाया, वो चोरी करने लग गया, लोगों के साथ गलत करने लगा। ऑफ अ साइंटिस्ट में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मदर, मदर ने कैसे उस बच्चे का साथ दिया बेटा। जब वो बच्चा घर में स्टोन्स बटरफ्लाईज मरी हुई लेकर आता था, तो नॉट लाइक एन इंडियन मदर वो चिल्लाएगी कि घर गंदा कर दिया, इनफैक्ट उसने बहुत मोटिवेट किया। उसके बाद वो उसके लिए एक बुक लेके आई, है ना, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क, और उसके बाद टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप हर एक चीज उसने प्रोवाइड की। और फादर नहीं थे और उस बच्चे के कोई फ्रेंड्स नहीं थे, वो एक नई जगह पे थे, तो सारा टाइम मदर उसके साथ रहती है और उसको एनकरेज करती है। तो बच्चा जैसे ही समझता है, फिर इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या वो चीज़ें हैं जो साइंटिस्ट बनने के लिए काम आती है। ऑब्वियसली क्यूरियोसिटी, हार्ड वर्क, माइंड आपका अच्छा है ना। अब इस आदमी ने किया क्या था, एब्राइट ने एक साइंस की कंपटीशन में ये हार जाता है, तो वो हार कर उसने क्या रियलाइज किया कि उसको एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और फिर वो बटरफ्लाईज पकड़ना शुरू करता है, और उसने एक बहुत बड़ी खोज कर दिया। एक्चुअली वो खोज नहीं करना चाह रहा था, बट उसको अचानक पता चलता है कि जो वो गोल्डन थे स्पॉट्स होते हैं गोल्डन, है ना, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई में, वो एक हार्मोन होता है जो उनके लिए ग्रोथ के लिए होता है। तो ये आप अच्छे से कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नेकलेस में कैसे अगर हम बहुत ज़्यादा पैसा पैसा करते हैं और अपने लाइफ में खुश नहीं रहते हैं, तो हम अपनी लाइफ और ख़राब कर लेते हैं, ऐसा पता चला हमें। तो वो पूरा इंसिडेंट अच्छे से याद कर लो, जब वो नेकलेस पहन के जाती है और वो लॉस्ट हो जाता है, और क्या वो उस दिन पार्टी में खुश थी, वो बहुत खुश थी क्योंकि वो न्यू ड्रेस नेकलेस सब कुछ पहन के गई थी, तो शी वॉज वेरी हैप्पी। बट उसके बाद एंड में उसको जो रियल पता चलता है, तब उसकी क्या हालत होती है। सो दिस इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और सेकेंड ये वाला कर लीजिए, 1-2 इज इनफ इन दिस चैप्टर, फर्स्ट एंड सेकेंड।
दिल्ली में उसकी मदर उसको क्यों प्यार नहीं करती थी, एक वो, और तहसीलदार की वजह से कैसे भोली की लाइफ चेंज हुई, और भोली शादी से क्यों मना कर देती है। द चैप्टर इज ओवर। और ये पेरेंट्स क्यों एक्सेप्ट करते हैं बिशंबर का मैरिज प्रपोजल, है ना, और मैरिज क्यों नहीं होती है, और फिर भोली मना कर देती है कि नहीं मैं शादी नहीं करूंगी इस ग्रीडी आदमी से। लास्ट द बुक दैट सेव्ड अर्थ, इसमें थिंक टैंक क्यों डर जाता है, ठीक है, और वो लोग क्या सोचते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें सोचते हैं बुक को देख के ना, वो नर्सरी राइम की बुक कैसे जान बचाती है हम सारे अर्थलिंग्स का, है ना, अर्थ पे जो लोग रह रहे हैं वो अर्थलिंग्स हैं। बस ये याद कर लीजिए पहले वो क्या सोचते हैं, कभी वो सोचते हैं ये सैंडविच है खाने की चीज़ है, तो वो बस लाइन से याद कर लीजिए एंड दैट्स इट।